राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आतंक का बड़ा पर्याय बना 1,15,000 रुपए का इनामी डकैत केशव गुर्जर आखिरकार सोमवार को दोपहर करीब 11:30-12 बजे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के दौरान डकैत केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल केशव गुर्जर के रविवार को चंबल के बीहड़ों में होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ डीएसटी क्यूआईटी की टीम सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के सोहन बाबा मंदिर के पास पहुंची, जहां देर रात से लगातार की जा रही सर्चिंग के बाद पुलिस को डकैत केशव गुर्जर दिखा। पुलिस को देखकर डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिससे केशव गुर्जर के पैर में गोली लग गई। कुख्यात दस्यु केशव गुर्जर गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाशों द्वारा करीब 20 राउंड फायरिंग की एवं पुलिस टीम द्वारा 47 राउंड फायरिंग की गई है। दस्यु केशव गुर्जर के कब्जे से एक 315 बोर का पचफेरा व 38 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दस्यु केशव गुर्जर के साथ ही डकैत शीशराम व बंटी पंडित जंगल घना होने के कारण भागने में सफल रहे। केशव गुर्जर नाम का डकैत है, जो 3 राज्यों में वांछित चल रहा था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जिसपे लगभग 3 राज्यों का मिलाकर 1,15,000 का इनाम चल रहा था और बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी आज सूचना हमें सोने का गुर्जर थाना इलाके में मिली थी, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर बॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस बॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत और डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई, कई राउंड में फायर हुए हैं। इस दौरान गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में। अंदर